शुरू शुरू में जब आप लोग नर्सरी केजी में पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मुख से अनेक तरह की आवाजें निकलती है। जब आप भी अपने दोस्त से बात करते होंगे या फिर अपने मम्मी पापा से बातें करते होंगे तो आपके मुख से भी अनेक तरह की आवाजें निकलती है ना। ये आवाजें ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे यहाँ शब्द है महल, महल म अ ह आ, ल, आ के योग से मिलकर बना है। म के नीचे हलंत लगा है तो इसे हम आधा म भी पढ़ते हैं। तो इसमें कितनी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? 6 ध्वनियों का, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से यहाँ है चटाई, चटाई में च अ ट आ और ई के योग से मिलकर बना है। इसमें 5 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से तीसरा है हिरण, ह ई र अ न अ, इसमें 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट है कागज, क आ ग अ ज अ के योग से मिलकर बना है। इसमें भी 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ म है, म के नीचे हलंत लगा है तो इसे आधा म पढ़ते हैं, तो ये तो खुद ही आधा म है, इसके टुकड़े कैसे किए जाएंगे। उसी तरह से यहाँ आ आ है तो आ के भी तो टुकड़े नहीं हो सकते हैं ना। तो इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। बच्चों, जब आप स्कूल जाते हैं, शुरू शुरू में जब आप लोग नर्सरी केजी में पढ़ते हैं तब सबसे पहले आप अल्फाबेट सीखते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में सीखते हैं। क ख ग घ, ये सब वर्ण हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको सबसे पहले वर्ण सीखना पड़ता है। इस प्रकार वर्ण की परिभाषा है, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब अगला है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद, वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा अयोगवा और तीसरा व्यंजन। पहला है स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में कुल 11 स्वर है, जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ, ये स्वर हैं। अब दूसरा है अयोगवा। सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि अयोगवा क्या होता है। वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं न व्यंजन, वह कहलाते हैं अयोगवा। हिंदी में अयोगवा 3 है, अनुस्वार, अनुनासी और विसर्ग। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं, 33, जैसे क ख ग घ ङ। क है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क क बोल रहे हैं तो यहाँ अ का भी तो प्रयोग हो रहा है ना। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, द ठ द ध न, प प
तालब्श, हंस, कंस, हा, ये व्यंजन हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण और भी हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन, वह व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, य और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। दूसरा अतिरिक्त वर्ण, ळ और ढ अतिरिक्त वर्ण है। आगत वर्ण, आ, च और फ आगत वर्ण है। इस प्रकार हमने आज सीखा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, अयोग्वा और व्यंजन। थैंक यू।